भाई इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ ना, मतलब कि अगर ये ट्रिक वगैरह बताऊँ किसी स्ट्रीमर के पास, मान लो बोस आर्मी नल्ला नोनी या मान लो आरजी भाई के पास पहुंच गई, तो भाई वो लाइव पे ये वाली ट्रिक यूज करने वाले। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं ये वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, भाई खुद ट्रिक देखो और बताओ कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक लूवर लगा के डायरेक्ट इस घर के ऊपर कोई आएगा तो भाई क्यों नहीं आएगा, हमको तो ये बताओ। इतना मस्त कवर देखने को देने को मिलता है, इसे कोई बंदे को भी नॉक कर दिया। मतलब बंदे की स्टार्टिंग हो ही रही थी भाई, मैंने उसकी एंडिंग भी कर दी है भाई, बाकी बंदे तो खत्म हो चुके हैं लेकिन लास्ट बंदा बचा हुआ और मेरे पास ग्रेनेड। और ग्रेनेड फेंकने का मेरे ग्रेनेड से बच सकता है कृष्णा। अरे मैंने तो एल्विस भाई की जगह ले ली, मैंने ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सेंटोसा वाली नोटिफिकेशन पे इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने कोर्डा मतलब 4 किल निकाल दिया है भाई। अगर यकीन नहीं हो रहा तो भाई आप वीडियो पूरी कंप्लीट देखोगे तो भाई आपको पूरा पूरा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, साथ में उसके साथ कैसे खेलना है आपको वो भी दिखाऊंगा। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, बस आपको एक ग्लोअर लगा के इसके ऊपर चढ़ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप चढ़ गए ना तो भाई आपको ना सामने से पड़ेगी और लेफ्ट में बंदे उनको जाने देना ही नहीं है भाई, उनको हेक पे रोक देना। जैसे मैंने इस बंदे को रोका, इसको जैसे मैंने मारा सारे बंदे लेफ्ट में आगे भी लेफ्ट में क्या बारात जा रही थी क्या, इसको मैंने एक ग्रेनेड फेंका और भाई सारे के सारे बंदे नॉक हो चुके। लास्ट एक बंदा बचा हुआ है, उसके ऊपर रश कर देता तो मेरे क्वार्टर किल तो हो जाए। और भाई ये वापस नॉक हो गया, लास्ट एक बंदा कोई तो कोई बचा। अरे चलो इसी के साथ सामने वाली पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है भाई। तो ट्रिक थी कि क्या थी भाई मैं भी नहीं बता सकता। चलो नेक्स्ट ट्रिक अपनी वर्क करने वाली शिपयार्ड वाली लोकेशन पे। भाई इतनी जबरदस्त ट्रिक है ना ये वाली भी, लेकिन इसमें आपको थोड़े से ज्यादा ग्लूवल लगेंगे। तो भाई ग्लूवल की तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर लेग पॉकेट लगा लोगे तो भाई 5-5 ग्लूवल रख के रखे हैं। लेकिन बात तो अब ये आती है ना भाई, 3 ग्लूवल का यूज कैसे करना है। देखो 5 में से 3 ग्लू लगाएंगे, दूसरा ग्लूवल ऐसा लगाना है ताकि लेफ्ट वाले डब्बे से थोड़ा सा ऊपर लगा दे। मतलब कि हमने करना क्या है कि एक सीढ़ी जिसे बना देना, देखो इसके ऊपर चढ़ा, अब इसके ऊपर चढ़ा, एक सीढ़ी जैसी बनी ना, आपको सेम यही करना है। इसके बाद इस वीडियो के ऊपर चढ़ जाना है। अगर यहाँ पे चढ़ गए तो भाई सामने वाले बंदे आपको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, अंधे क्या? नहीं भाई, वो इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं ना ये वाली ट्रिक पे कोई भी चढ़ता है, उनको पता ही नहीं ट्रिक भी है क्या। लेकिन देखो मैं सामने वाली खिड़की पे जंप करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं भाई मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अपन है प्रो प्लेयर, अब 1v3 है, क्या मैं 1v3 निकाल पाऊंगा? देखो एक बंदे को तो मैंने सोनिया चला दिया और ये बंदा नॉक हो गया। चलो फटाक से ग्रेनेड का कमाल दिखाते हैं भाई। मैं तो सोच रहा हूँ शायद सब उधर ही बैठेंगे, एक ग्रेनेड से सब उड़ जाएंगे। और ये क्या हुआ भाई, एक भी नॉक नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अरे नुबड़े बोट रिवाइव करता है इसको। अरे क्लियर कर देते वरना बताओ इसके वाले बंदा आएगा डिमित्री और थी वाले क्या आएगा, तो भाई 1 सेकंड में पूरी स्पॉट जिंदा हो जाएगी। तो भाई वो नहीं करना है, लास्ट वाला बंदा बचा है इसको मैं वन टेप भी मारने का ट्राई करूंगा। वैसे पेरफ वाले तो भाई 1 टेप पड़ सकता है, देखते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बोलते हैं ना भाई। ये क्या हो रहा है भाई, और पेरी पेर में दे रहा हूँ। अरे क्वार्टर कर दिया मैंने मेरी जान। अरे अरे बस 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 भाई, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ भाई। नेक्स्ट ट्रिक अपनी वर्क करने वाली ऑब्जर्वेटरी पे। भाई इतनी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब ये ट्रिक अगर आपने यूज कर ली सामने वाले बंदों की तो हालत खराब हो जाएगी भाई। वो भी सोचेंगे भाई कहाँ कहाँ से ट्रिक ला रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए 4 ग्लूवल लगेंगे, तो लेग पॉकेट ध्यान से लगा के आना भाई। मेरे 5 ग्लूवल है तो भाई मैंने 4 ग्लूवल लगा दूंगा। चौथा ग्लूवल कैसे लगाना, आपको इधर आना है, बैठना है और कुछ इतना ऊपर लगा देना, आपका ग्लूवल अपने आप ऐसा हो जाएगा। आप लगा के देखना और यहाँ पे आके आप लेट जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे रेंगते रेंगते एकदम सांप जैसे। अरे अरे शर्म कर ले, अब तो खड़ा होता, अब तो बच्चा भी हंसने लग गया। चलो खड़ा हो गया, साइड में बंदा भी देखने को मिल रहा है भाई। तो खड़े होते से बंदे को भी मारने लगे, गजब है यार ये। इसको चलो नॉक कर दिया, ये लास्ट वाला बंदा बचा इसको भी मैंने मार दिया और ये हमारा विक्ट्री हो चुका है भाई। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब भाई वीडियो पसंद भी आ रही है और भाई वीडियो लाइक भी नहीं कर रहे हो, भाई वीडियो को लाइक कर दो यार। और जो लाइक नहीं कर रहा भाई उसके लिए भाई अब पेन फेंक के मारो या कटाना, लेकिन लड़की मत पटाना और भाई लाइक कर देना। अरे भाई तुम लाइक नहीं करते भाई, क्या क्या शायरी बन रही मेरे से। चलो ठीक है, ये ग्रेनेड करता हूँ भाई, कोई बंदा मरेगा। अरे भाई यार मेरे पास तो अलवेरा की स्किल ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। चलो कोई नहीं, अपन क्वार्टर करके जरूर बताएंगे आपको, मैंने बोला है ना। इधर देखो एक बंदा सामने से आ रहा है भाई, वही बंदा अब तक न छोड़ूंगा भाई, इसको तो मैंने मार दिया भाई। दूसरा बंदा भी उसके पास ही है और भाई ये बंदा दिख रहा है और इसको भी नॉक कर दिया भाई। लास्ट वाला बंदा बचा है भाई, ये भी ड्रॉप के पास ही को बैठा हुआ है, मैंने अब भी हाल देखा है। चलो इसको खत्म कर देते हैं और भाई मेरा एस हो चुका है भाई। इसके ऊपर आने की ट्रिक तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इतनी जबरदस्त ट्रिक है ना। चलो इसकी ट्रिक रिवील करते, मतलब इतनी मस्त ट्रिक है ना, बस आप 2 ग्लूवल से चढ़ सकते हो। लेकिन हाँ इसमें मैं 3 ग्लूवल का यूज कर रहा हूँ, बहुत पुरानी वीडियो थी तो भाई मैंने बता दिया। लेकिन हाँ आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो, आपको पता है मैं 2 ग्लूवल में ही चढ़ चुका हूँ। बाकी जब भी राउंड आना रिवर साइड के पास वाला भाई, एक बंदे को जरूर से ऊपर चढ़ाना। चलो नेक्स्ट ट्रिक अपनी वर्क करने के लिए फैक्ट्री पे, एकदम कमाल की ट्रिक लेके आ गए, एकदम नई ट्रिक है। मतलब 4 ग्लूवल में आपको फैक्ट्री के ऊपर चढ़ा दूंगा, 4 ग्लूवल में चढ़ा रहा हूँ तो ये मत सोचना कि टीममेट की हेल्प लेना पड़ेगा भाई। बिना
स्काउट टीममेट की हेल्प। भाई ये वाले राउंड में आपको बताऊं एक कमाल की चीज बता रहा हूँ, पता नहीं क्या ही किस्मत की भाई, सबके पास सोनिया, सबके पास सोनिया। भाई इसके चक्कर में अभी मेरी वाट लगने वाली है। मैंने जैसी दो बार सोनिया को मारा ना, दोनों बार मेरे वन टैप पड़े, ये बात तो अच्छी हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं जैसी मेडिकल लगा के नीचे जा रहा था ना, तो भाई यहाँ पे मैं इसके ऊपर कूद रहा था, लेकिन भाई नहीं यार क्या ही किस्मत है, कहाँ गिर गया मैं ऊपर। अगर कूद जाता तो भाई मजा आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सामने एक बंदा देखने को मिला, इसको वन टैप मार दिया मैंने। भाई इसने डिमित्री चालू कर दिया, इसके ऊपर ग्रेनेड करूंगा, जब तक तो ये रिवाइव हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रिवाइव होगा वैसे ही मर जाएगा। और सेम भाई यही हुआ, सामने वाला बंदा भी डैमेज है, भाई ये एक ही गोली का होगा। अरे भाई ये देखो सोनिया, भाई इसका क्या करूं यार, ये भाई क्वार्टर चलेगा हाथ में से यार। भाई ये सोनिया बैन करवा यार कुछ भी करके, बस आपको टावर पे आना है, आपको चार ग्लोअर की जरूरत पड़ेगी, दो ग्लोअर तो नॉर्मल आपको इसे लगाना है, उसके बाद आपको इस पर जंप करना है। बहुत सारे वाले बंदे को इसके ऊपर जंप करते नहीं आता, भाई भगते से रन जंप वाले बटन दबा दिया करो, तो भाई अब उसके ऊपर वो रेलिंग के ऊपर चढ़ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आके एक ग्लोअर इतना नीचे लगाना है जिसके ऊपर आप जंप कर सकते हो, उसके बाद अगला ग्लोअर तो ऐसे लगा देना, मतलब इतना ऊपर लगा देना। भाई आप बोलोगे इसके ऊपर कैसे चढ़ेगा, इतना ऊपर ग्लोअर लगा दे, भाई पता नहीं बीच में इनविजिबल वॉल है तो उसका यूज कर सकते हो आप। चलो पोचिनो की ट्रिक बताता हूँ, मतलब ये वाली ट्रिक तो इतनी जबरदस्त होने वाली, सिर्फ एक ग्लोअर की मदद से इतनी बढ़िया जगह पहुंच जाओगे, आप भी आके नहीं करोगे। लेकिन आपको एक ग्लोअर एकदम बीच में सेट कर देना, ना राइट में ना लेफ्ट में, बस आपको इस लकड़ी के ऊपर चढ़ना है, इस फेंस के ऊपर चढ़ के आपको इस ग्लोअर पे जम मार देना है। इस ग्लोअर पे जम मार के आपको सामने वाले घर पे जम कर दोगे तो भाई क्या ही कवर मिलेगा। देखो सामने एक बंदे को एल शेप पे बैठा था, भाई हाँ से मार दिया भाई उसको, मैं तो मैं दिखा भी नहीं होगा भाई, वो भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ रेड एम आ गया था। और ऐसे ही करते हुए राइट साइड में भी एक बंदा आ चुका है, भाई ये तो रश ही कर रहा है भाई बिना देखे, भाई फटाक से भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। देखो सामने एक बंदा बैठा है, उसको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। अरे लगता है आज के दिन नहीं देखेगा, कोई मेरे टीममेट के ऊपर ही चिपक गया था देखने, लेकिन उसको ही मैंने निपटा दिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अपनी मिल वाली लोकेशन पे कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब सारी ट्रिक ही कमाल की है, तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। हाँ क्यों, क्योंकि बस शॉर्ट्स वीडियो की भी आजकल नोटिफिकेशन आने लग गई, आपको नहीं पता मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ, भाई जाके देखो यार कितने कम टाइम में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूँ, साथ में लाइव भी आता हूँ सैटरडे संडे। अगर आप नहीं आते हो ना भाई गद्दारी मत करो यार मेरे साथ, आ जाना सैटरडे संडे को लाइव। हाँ वैसे बता देता हूँ लाइव का टाइम 3 बजे रहता है, तो आ जाए। अरे बस अब इसके बाद आपको डब्बे के ऊपर जम करके आपको इस ग्लोअर पे जम कर देना है। इसके बाद आपको सामने की दीवार का कवर और इधर आपको तो ग्लोअर की हाइट इतनी मस्त एडवांटेज मिलेगा कि कोई बंदा आपको देख भी नहीं पाएगा, और साइड में आप आसानी से मार दोगे। भाई सोनिया बन गया था, भाई दूसरा भी सोनिया बन गया। आजकल क्या चल रहा है, सोनिया डिमित्री की वह यही चल रहा है सीएस रैंक में, भाई पूरे गेम की वारा बजा दी है। अरे भाई मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं खुद ही यूज करता हूँ, लेकिन हाँ भाई है तो भाई यूज करना ही पड़ेगा। सामने इधर उसके पैराफॉल पड़ी थी, चलो 1v2 क्या मैं पैराफॉल से निकाल पाऊंगा, क्योंकि ऐसे भी मेरे को एम्पोरेमेंट चलती नहीं। चलो एक को तो नॉक कर दिया, एक लास्ट वाला बंदा बचा है, मेरा बुकिंग चार्ज है तो यूज कर लेता हूँ। और सामने बंदे को बॉडी बॉडी करके पूरा जीत गए। और भाई अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं करो तो भाई कमेंट करो ना, भाई कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही मजा आता है। और भाई भाई सभी कमेंट के भाई एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, सबके कमेंट वायरल होना चाहिए। भाई आपको एक बताऊँ जादू बताऊँ, मैं जादूगर हूँ नहीं लेकिन आपको जादू जरूर बता सकता हूँ। बताऊँ आप बताऊँ, अभी वीडियो देख रहे होंगे ना, जब आप लेटे होंगे और लेटने के बाद एक के ऊपर एक पैर रखा होगा, वो कैसा भी रखा हो, लेकिन भाई हाँ सही बोला हो तो भाई बताना, क्योंकि मुझे पता गेमर होने है ना सबके सब, तो भाई यही काम करते लेटे लेटे वीडियो देखते। सामने वाला एनिमी हो तुम, वो बचने में नाकामयाब रहा, भाई वुकुंग बन गया था कोने में, लेकिन उसको क्या बताओ भाई, मैं खाई पे से भी देख लेता हूँ। भाई साइड में ये बंदा देखने को मिला, वो भाई उसको बचाने आ रहा है क्या, इसको भी मार देता हूँ। और भाई इधर हमारा बुइया हो चुका है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के तो अपन मास्टर प्लेयर को भी कुछ नहीं करने देते, मतलब कि उसको मतलब गेम प्ले दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई साइड में बैठे बैठे दोनों बंदे को मार दिया, भाई नेक्स्ट वीक अपनी पिक पे वर करने वाली है, भाई ये ट्रिक लास्ट होने वाली है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैं वीडियो डालता रहूंगा, आप सपोर्ट करते रहना। भाई मैं सब्सक्राइब करने का ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन भाई बस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, भाई एक वीडियो बनाने में 10-15 घंटे से आधा लग जाते हैं, तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो साइड में एक ग्लोअर लगा देना, 3 ग्लोअर का ऐसे लगा देना। अरे मेरा टीममेट कितना अच्छा है यार, इसी से ग्लोअर लगा रहा है, भाई कितने अच्छे टीममेट। आपको भी चाहिए हो तो भाई कमेंट में अपना एड्रेस बता दो, मैं भिजवा दूंगा। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मैं सोलो में भी चढ़ सकता था। देखो ऐसे साइड में ग्लोअर लगा के आप इधर आ सकते हो, लेकिन ये ट्रिक बताऊ बहुत कमाल की, लेकिन भाई इधर चढ़ने में 1-2 घंटे लग जाते, तो भाई घर वाले को समझाते रह जाओगे, घर वालों को बोलोगे अभी तो मैं चढ़ नहीं बैठा हूँ, मेरे को बस 1-2 घंटे तो हुए चढ़ने में, अभी मैं चढ़ गया हूँ पिक के ऊपर फिर बाहर खेलूंगा, तो उनको तो लगेगा कि भाई अभी तो कब से गेम खेल रहा है, लेकिन उनको क्या पता भाई अभी तो ट्रिक पे ही चढ़ने में लगा हूँ। लेकिन आपको ऐसे सीएस रैंक की और ट्रिक की होते हैं, लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, फिर कमाल कमाल की सीएस रैंक की ट्रिक मिल जाएगी। अरे बीआर रैंक वाले दुखी मत हो, बीआर रैंक की भी ट्रिक है, राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, बीआर रैंक की भी ट्रिक मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।